Today I'm going to review this crochet toolkit. I ordered this from Amazon. This is a screenshot of the ad, and this was available for ₹428 plus ₹40 shipping. This was packed in a bubble wrap and came in a packaging like this. And inside you have a plastic box which I received broken. Aur ek separate packet mein 8 crochet hooks in different colors and different sizes. सबसे पहले इसमें आते हैं 8 crochet hooks जो कि आते हैं अलग-अलग colors में और अलग-अलग sizes में. पिक्चर में देखने से ऐसा लगता है that these have very cushiony rubber grips, लेकिन ऐसा नहीं है. These are made of very soft plastic with this matte finish and steel crochet hook which is also very good quality. और हर crochet hook के handles पर उनके numbers लिखे हुए हैं. और जो सबसे छोटा size इसमें आता है वो है ये. This is 2.5 mm crochet hook. As you can see, number 4. और ये कैमरे के बिना भी numbers देखना काफी मुश्किल है. और ये है सबसे बड़ा वाला crochet hook. This is of size 6 mm. Number 10. So these are the two sizes, सबसे छोटा और सबसे बड़ा. This is 3.5 mm crochet hook I am using here. और इसके प्लास्टिक हैंडल्स की ग्रिप काफी अच्छी है. They are very easy to work with. Next आता है ये बॉक्स जिसके अंदर काफी सारे टूल्स हैं. And we will talk about them one by one. और ये है मेरे बॉक्स का लॉक जो कि टूटा हुआ ही आया था, which is very disappointing. बॉक्स के अंदर आते हैं 8 थ्रेड क्रोशे हुक्स ऑल इन ब्लू कलर. इनमें जो सबसे छोटा साइज आता है वो है 0.6 mm, दिस वन. एंड द बिगेस्ट वन इज 1.75 mm. सो दीज आर द टू क्रोशे हुक्स, द स्मॉलेस्ट वन एंड द बिगेस्ट वन. इन सभी हुक्स के साइजेस इन पर लिखे हुए हैं. दिस इज 0.6, 1.75, 1.20, जो कि ऐसा लगता है दैट दे कुड गेट वाइप्ड ऑफ. कुछ टाइम के बाद ये रब भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने एक परमानेंट मार्कर से इन सभी के बैक साइड पर इनके नंबर्स लिख दिए हैं. नेक्स्ट इसमें आता है ये थ्रेड कटर. ये मार्केट में भी 10 रुपीस का इजीली मिल जाता है. और इसमें ये आता है सेफ्टी कैप के साथ, विच इज नाइस. और नेक्स्ट इसमें आता है ये इंच टेप. इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है. एंड दिस इज इन ब्लू कलर एंड दिस इज वेरी सॉफ्ट. और इसके एक साइड पे हैं इंचेस और नेक्स्ट साइड पे इसके हैं सेंटीमीटर्स. एंड द गुड थिंग अबाउट दिस इंच टेप इज कि जो इसके सेंटीमीटर्स हैं वो भी असेंडिंग ऑर्डर में है और इंचेस भी असेंडिंग ऑर्डर्स में है. दिस इज माई प्रीवियस इंच टेप. इसके इस साइड में इंचेस लिखे हुए हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, और बैक साइड में सेंटीमीटर्स जो कि हैं 151, 150 लाइक दिस. तो अगर मुझे सेंटीमीटर्स 1 से मेजर करने हो तो मुझे पूरा खोलना पड़ता है, लेकिन इसकी हेल्प से आप इधर से इंचेस मेजर कर सकते हैं और बिना पूरा खोले इधर से सेंटीमीटर्स. सो आई लाइक दिस वेरी मच. और फिर इसमें आते हैं स्मॉल प्लास्टिक के सेफ्टी पिंस. ये आते हैं 5 अलग कलर्स में और हर कलर की 2 सेफ्टी पिंस. ये टोटल 10 सेफ्टी पिंस हैं. दीज आर स्टिच मार्कर्स. इससे आप इजिली कोई भी स्टिच मार्क कर सकते हैं. एंड यस, दिस इज माई मोचिला क्लच इन मेकिंग. आप इस तरह से कोई भी स्टिच ईजिली मार्क कर सकते हैं. आई थिंक दीज आर ऑल्सो स्टिच मार्कर्स.
एक क्वेश्चन मार्क शेप के स्टिच मार्कर्स हैं जो टू साइजेस में आते हैं, वन इज़ स्मॉल एंड वन इज़ बिग, और इसमें आते हैं 5 स्मॉल 5 बिग, टोटल 10 स्टिच मार्कर्स। और इससे भी आप इजीली कोई भी स्टिच मार्क कर सकते हैं, लाइक है इफ़ हैव टू मार्क दिस स्टिच, आप सिंपली इसे इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं लाइक दिस। फिर इसमें आते हैं 4 नीडल्स या नीडल्स, 2 स्मॉल 2 बिग, और इन्हें देखकर ये तो पता ही चलता है कि इसमें ऊन पिरोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड द नीडल आई एम यूजिंग राइट नाउ इज दिस वन, दिस इज द नीडल आई एम करेंटली यूजिंग। ये वाली नीडल्स मैंने अभी यूज़ नहीं किए हैं, सो आई डोंट नो हाउ विल दे वर्क, बट दे लुक नाइस। एंड दिस इज़ अ रो काउंटर, इसमें 2 रो काउंटर्स आते हैं, एक बड़ा एक छोटा। और अगर आप अमेजोन पर सर्च करेंगे क्रोशे रो काउंटर्स, तो आपको 2 रो काउंटर्स ही 250 रुपीज़ के मिलेंगे। अगर आप इसके डायल को घुमाएंगे तो इस तरह से इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं from 0 to 9, और ये आपके क्रोशे हुक में इजीली फिट हो जाता है, और ये इस तरह से हुक को पकड़ लेता है। और क्रोशे में हमें बार बार रोज काउंट करनी पड़ती हैं, सो दिस कैन बी वेरी यूजफुल। हम जो भी रो कर रहे हैं उसका नंबर हम इसमें सेट कर सकते हैं, और हमें उन्हें बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइक दिस। और यह छोटा वाला रो काउंटर फॉर द ब्लू क्रोशे हुक्स, जो हमारे थ्रेड क्रोशे हैं उनके लिए। इसमें भी इसी तरह से दोनों साइड नंबर्स लिखे हुए हैं from 0 to 9, और ये इजीली इसमें फिट हो जाता है। एंड नाउ यू कैन सेट योर नंबर्स इन दिस। नेक्स्ट इसमें आते हैं ये स्टॉपर्स, ये भी 2 साइजेस में आते हैं, 2 स्मॉल एंड 2 बिग, और ये यूज़ होते हैं निटिंग में। अगर आप सलाई वाली बुनाई करते हैं और उसमें कई बार फंदे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो निकल जाते हैं, सो दीज कैन बी वेरी हेल्पफुल। इस तरह से आप इन्हें अपनी सलाई में फिट कर सकते हैं। ये विल प्रिवेंट योर स्टिचेस फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द नीडल। फिर इसमें ये कुछ प्लास्टिक की प्लेट्स आती हैं, ये कोई क्रोशे टूल नहीं है, बट दिस इज़ एन एक्सेसरी फॉर द बॉक्स। इनकी हेल्प से आप बॉक्स में डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं या ब्लॉक्स बना सकते हैं लाइक दिस। और यह है सबसे सिंपल दिखने वाला टूल, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल टूल्स इन दिस किट, स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगिनर। अगर आपने अभी क्रोशे करना शुरू किया है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। क्रोशे में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको यार्न को किस तरह पकड़ना है, कितना उसे टाइट रखना है या ढीला रखना है। इस टूल को आपने अपने फिंगर में इस तरह पहनेंगे और फिर यार्न को इसमें इस तरह से फिट कर देंगे, एंड दैट्स इट। बाकी मैंने इसको कहीं से भी पकड़ा नहीं हुआ, कहीं पर भी ये फिट नहीं है, सिर्फ इस रिंग के अंदर से मेरी फिंगर के ऊपर ये इस तरह से मैंने इसे डाला हुआ है। एंड नाउ यू कैन स्टार्ट योर क्रोशे। बाकी इसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कहाँ पर टेंशन देनी है या कितना इसको ढीला रखना है। दिस टूल डज इट ऑल बाय इटसेल्फ। ये टूल भी मैंने ऑनलाइन सेपरेटली बिकते हुए देखा है, आई डोंट रिमेम्बर द प्राइस राइट नाउ। एंड दिस इज़ कॉल्ड केबल स्टिच मेकर, जो सलाई वाली बुनाई में जो मरोड़ फली की बुनाई होती है उसे बुनने में ये काफ़ी हेल्प करता है, जो केबल स्टिच होती है। मैंने इसे अभी ट्राई नहीं किया, पर आई डेफिनेटली वॉन्ट टू ट्राई दिस बिकॉज दैट इज़ माई फेवरेट स्टिच इन निटिंग, एंड आई थिंक दिस टूल डिजर्व्स अ सेपरेट वीडियो। ये भी 3 साइजेस में आता है, एंड वी विल सी हाउ दे हेल्प। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द किट एंड द टूल्स। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।